तो हम सवाल पर बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पर। और जो पहला आज का हमारा प्रश्न है वो ये है, ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न की व्याख्या भी करूंगा, उसके साथ साथ सभी ऑप्शंस की व्याख्या करूंगा। क्योंकि अगर हमने कहा है कि आज की क्लास से आपका 30-40% आधुनिक भारत खत्म होगा, तो वो क्लास खत्म होने के बाद आपको वो एहसास भी होना चाहिए। तो जैसे पहला सवाल है कि चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़े हुए प्रमुख सदस्य जिसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया, उसका नाम क्या था? चटगांव शस्त्रागार कांड घटना सभी जानते होंगे, जो 18 अप्रैल को हुआ था, ठीक। 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष अपने कुछ साथियों के साथ क्या किए थे, चटगांव शस्त्रागार को लूट लिए थे। लेकिन उसमें जो प्रमुख सदस्य थे उनका नाम था सूरसेन, और सूरसेन ने ही IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, आपका वो आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सूरसेन। क्या आंसर है आपका? सूरसेन। तो सूरसेन ने किसका गठन किया है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का, जिसको हम क्या कहते हैं, IRA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और यही नहीं, सूरसेन की खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं, क्योंकि यह जो टॉपिक है चटगांव शस्त्रागार कांड जो 1930 में हुआ था, इस क्या है कि यह क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण का टॉपिक है। और जो ये सूरसेन है ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि वह एकमात्र कौन से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, तो वो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूरसेन। तो सूरसेन एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने किसमें, असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया। और यही नहीं, सूरसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मास्टर दा के नाम से, क्योंकि एक कॉलेज में ये प्रोफेसर हो गए थे। उसके साथ साथ दोस्तों क्या हुआ था कि चटगांव शस्त्रागार कांड की खास बात यह थी कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया था, जिसके बाद क्या हुआ कि 12 जनवरी 1934 को सूरसेन को पकड़ के फांसी दे दी गई। और यही नहीं, सूरसेन ने भारत में दूसरी अस्थाई सरकार का गठन भी किया था। पहली अस्थाई सरकार का गठन महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था और दूसरे अस्थाई सरकार का गठन किसने किया था, सूरसेन ने। चूंकि यह एक ऐसी क्रांतिकारी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसलिए हो सकता है यह सवाल आपको ऐसे भी पूछ लिया जाए कि कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेकर, ठीक, वीना दास, ये सब महिलाएं किस संगठन से जुड़ी हैं। तो अगर ऑप्शन आपको संगठन रहा सवाल में, तो ऑप्शन हो जाएगा इंडियन रिपब्लिक आर्मी। लेकिन अगर यह पूछा गया कि किस कांड से जुड़ी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार कांड। अब अगर इतना पढ़ा दिया जाए तो आपके लिए, आप कहेंगे सर ऑप्शन तो मिल गया, अब मैं ठीक हूं, खुश हूं, क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्वेश्चन भी मिल गया। लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन जो रखा गया है दोस्त, वो भी तो किसी ना किसी चीज से जुड़े होंगे। अगर वो जुड़े होंगे तो उनके बारे में बताना चाहिए, और उनके बारे में बताएंगे तो आप एक साथ चार टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं, इसका आंसर सूरसेन था। तो मुद्दा यह है कि फिर सचिंद्र सन्याल जी किससे जुड़े हैं? तो सचिंद्र सन्याल जी HRA से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन का जो जब चरण चालू होता है, तो उसमें जो सबसे पहला संगठन बनता है वो था HRA, जिसमें मुख्य रूप से कौन थे, मुख्य रूप से इसका गठन करने वाले सचिंद्र सन्याल थे, और इन्होंने HRA का गठन 24 अक्टूबर 1924 को किया। HRA के तहत जिस घटना को अंजाम दिया गया वो घटना था काकोरी कांड। कौन सी घटना थी दोस्तों? काकोरी कांड। और काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया? 9 अगस्त 1925 को। कब दिया गया? 9 अगस्त 1925 को। दूसरा जो है वो है भगत सिंह। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया था। किस सभा का गठन किया था? नौजवान सभा का। और यही नहीं, नौजवान सभा के अंतर्गत ही भगत सिंह ने लाहौर
छात्र संघ की स्थापना की थी। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि लाहौर छात्र संघ की स्थापना, लाहौर छात्र संघ की स्थापना किसने की है, तो आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। या किस संगठन के अंतर्गत की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा नौजवान सभा। अब आते हैं हमारे प्रमुख व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो भी एचआरए के एक सदस्य थे, भगत सिंह नहीं थे और सूर्यसेन भी नहीं थे। एचआरए के जो तीन प्रमुख सदस्य थे वो थे सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में क्या किया था, भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया था। तो 1928 को इन्होंने एचआरए का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों, एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इस संगठन के तहत जो सबसे प्रमुख घटना थी वो था लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र में क्या था कि जब भारत में साइमन आयोग आने वाला था तो स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवाई थी और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उसके मारने का प्लान बनाया और जब इन्होंने बम फेंका तो उसमें सैंडर्स की मृत्यु हो गई। तो कभी भी पूछा गया कि एचएसआरए संगठन के तहत प्रमुख घटना कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इनको फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था उसका नाम था जीसी हिल्टन। कौन था इनको फांसी की सजा सुनाने वाला दोस्तों, जीसी हिल्टन। तो पहला सवाल था कि चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़े हुए प्रमुख सदस्य जिसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया उसका नाम क्या था, तो इसमें आपका आंसर क्या था, सूर्यसेन। लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी सीखा कि सचिन सन्याल ने एचआरए का गठन किया था जिसके तहत काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया था जिसके तहत लाहौर छात्र संघ की स्थापना की गई, चंद्रशेखर आजाद ने एचएसआरए का गठन किया जिसके प्रमुख सदस्य भगत सिंह भी थे और इसी के तहत लाहौर षड्यंत्र को अंजाम दिया गया और असेंबली बम कांड भी हुआ। और टॉपिक में बाकी चीजें पढ़ेंगे। अगले प्रश्न में बढ़ते, अगर आप चाहें तो इसका फोटो लेना चाहे तो फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, एक ही सवाल था वो वाला, लेकिन एक ही सवाल से आपने क्या किया, द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन चरण को लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया। और यही नहीं, ऐसे ही जो बाकी भी सवाल है हम आपको ऐसे ही कंप्लीट कराएंगे। अगर क्लास चालू होने से पहले हमने आपसे कहा है कि आज आपका आधुनिक 30 से 35% समाप्त कर दूंगा, तो वाकई में कर दूंगा। जैसे कि हम क्या कहेंगे, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी संस्था मेहनत कर रही है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम किसके लिए मेहनत करेंगे। तो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुई। ये बहुत ही लाजवाब पॉइंट है, ये सवाल अभी तक शायद पूछा नहीं गया है, क्योंकि दोस्तों हम जो सवाल बनाते हैं वो हम कभी किसी घटना चक्र, किसी प्रैक्टिस सेट वगैरह से नहीं लेते हैं। हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं, आप लोगों को पढ़ाते भी हैं, तो वहीं से हम इंपॉर्टेंट सवाल बनाते हैं कि जो पिछले वर्ष जो सवाल पूछे गए हैं किस प्रकार के पूछे गए और इस बार किस प्रकार का आ सकता है, क्योंकि घटना चक्र तो सभी रट लेते होंगे, पूर्व मूल्यांकन, पूर्वालोकन खरीद लेते हैं, अब तो व्याख्या वाली भी आ गई तो सभी पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या उसके बाहर कुछ नहीं है इतिहास में, बहुत कुछ है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है और सिलेबस में सवाल पूछने का तरीका चेंज हुआ है। तो इसीलिए जो सवाल आपके सामने आएंगे ऐसे जैकपॉट क्लास में वो हमेशा नए सवाल रहेंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुई, पहले तो यह जानिए कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होता क्या है। इसमें से जो लोग हमको देख रहे हैं अगर वो हमारे आंसर देने से पहले आंसर दे रहे हैं तो मैं इसके लिए अगली क्लास में इससे और दोगुना अच्छा क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा आपके लिए, फिर आप ऐसे करेंगे तो और अच्छी चीजें की जाएंगी। तो पहले तो ये जानते हैं
कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है क्या, हुआ क्या था, यह बाद में जानिए डेट क्या थी। अगर इसका आंसर किया जाए तो ना इंसाफी होगी जब तक क्वेश्चन की व्याख्या ना दी जाए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। क्यों, रीजन क्या था? क्योंकि जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था तो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को। यहां कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको कुछ? ये तो कहने का मतलब ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इस दिन भारत में क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। ये सारे सवाल पूछे गए हैं आपको, बस सवाल को हमने बदला है। तो भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, जिसके तहत संविधान सभा के गठन की बात कही गई और इसके साथ साथ 1946 के चुनाव की भी बात कही गई। और जब 1946 का चुनाव हुआ तो 210 स्थानों में से 199 स्थानों पर कांग्रेस विजयी रही भारी बहुमत से, और मुस्लिम लीग को निराशा हाथ लगी, क्योंकि 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था और कहे थे हमको पाकिस्तान ही चाहिए। हुआ क्या कि अंतिम सरकार की गठन की बात हुई तो नेहरू ने अंतिम सरकार की गठन करने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग वालों ने बेबल के पास, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेबल था, वेबल के पास एक प्रस्ताव भेजा अंतिम सरकार के गठन की, तो उसके प्रस्ताव को नाकार दिया गया। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना गुस्सा होकर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। तो इसका आपका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या है दोस्त? 16 अगस्त 1946। तो मुद्दा क्या है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जब मोहम्मद अली जिन्ना गुस्सा होकर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी, तो इसके तहत भारत में केवल और केवल हिंसक घटनाएं हुई, क्योंकि इनको सिर्फ पाकिस्तान चाहिए था। और आपको पता है कि 1946 16-17 अगस्त से 1946 से लेकर पाकिस्तान की स्वतंत्रता तक, मतलब 14 अगस्त 1947 तक, भारत में इतनी हिंसक घटनाएं हुई जितना शायद 300 सालों में भी नहीं हुई थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इनको पाकिस्तान चाहिए था, और इसी को कैबिनेट मिशन को ठुकराकर, और वेवेल ने जब मोहम्मद अली जिन्ना का प्रस्ताव ठुकराया तो इन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ला दिया। अब 23 मार्च 1942 को क्या हुआ था? 23 मार्च 1942 को भारत में एक मिशन आया था, इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? क्रिप्स मिशन के नाम से। क्यों? क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और 1940 में भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया 17 अक्टूबर 1940 को, जिसमें विनोबा भावे उसके पहले सत्याग्रही थे। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के उसमें आया, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया था कि अनिश्चित समय में, मतलब कभी भी, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जिसकी वजह से कांग्रेस ने ठुकरा दिया और मुस्लिम लीग वालों ने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। तो जब विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब उस पर दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने दबाव डाला कि बिना भारत के भागीदारी के हम इस विश्व युद्ध में नहीं जी सकते हैं, तो इसीलिए भारत वालों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या हुआ था कि विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। लेकिन क्रिप्स मिशन में भी वही झूठे वादे थे कि विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, संविधान के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा, वगैरह वगैरह। कांग्रेस ने इसको ठुकरा दिया और क्रिप्स मिशन को ही गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। किसकी? पोस्ट डेटेड चेक की। क्रिप्स मिशन को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक, और नेहरू ने क्रिप्स मिशन को कहा था कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक दिवालिया हो चुका है। क्या हो चुका है?
दिवालिया हो चुका है। और जो कैबिनेट मिशन आया, इसने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इसने पाकिस्तान के प्रस्ताव को साफ नकार दिया था। और कैबिनेट मिशन की खास बात क्या है कि कैबिनेट मिशन में तीन जो प्रमुख सदस्य थे वो थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, यही वाला क्रिप्स है बाबू, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर। कौन? एलेक्जेंडर। ये पूछा भी जाता है सवाल कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आखिरी डेट जो हमारी बच रही है, वो आखिरी डेट बच रही है कि भाई 8 अगस्त को क्या हुआ था। ठीक, 8 अगस्त 1942 को आपको पता होगा कि भारत में सबसे बड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसे हम नेतृत्व विहीन आंदोलन कहते हैं। और यही नहीं है, भारत का वह सबसे भयावह आंदोलन भी था, क्योंकि इसी दिन भारत में कौन सा आंदोलन चला? भारत छोड़ो आंदोलन चला था। और इसी दिन गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका नारा? करो या मरो का। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? मेहर अली ने दिया है। पहले इसका आंसर नेहरू होता था, लेकिन जब से ना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में यह कहा है कि भारत छोड़ो का नारा मेहर अली ने दिया है, तब से आंसर मेहर अली को माना जाता है। इसीलिए एमपीएसआई में यह सवाल आया था कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो वहां पे आंसर मेहर अली था। तो हमारे सवाल का मतलब था कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुई, तो हमारा इसका आंसर है 16 अगस्त 1946 को। या ये पूछ दिया गया कि किसके द्वारा हुई, तो आपका आंसर होगा मुस्लिम लीग। या ये पूछ दिया गया कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसका फोटो खींच लीजिए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे दोस्त। देखिए, जैसे कि इस बार पीसीएस में ऐसे क्रम वाले सवाल, दो या तीन सवाल आए थे, दो सवाल मुझको याद है। जैसे कि एक में वो सवाल था जिसमें मकबरे वगैरह को सेट करना था कि भाई क्रम से सजाइए, दूसरा था जिसमें वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिरोज शाह जी मेहता जी की मृत्यु वाला था। तो इस बार पीसीएस ने क्रम वाले पैटर्न पे भी सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। पहले भी पूछता था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही पूछा है, इसलिए हमने भी अपने प्रश्न में डाल दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर हमको आता है, हम प्रैक्टिस सेट ले लेंगे घटना चक्र। नहीं दोस्त, हम ये नहीं कह रहे, आप घटना चक्र पढ़िए, प्रैक्टिस सेट करिए, कहीं भी पढ़िए, कुछ भी करिए, हमसे मतलब नहीं। लेकिन हम आपको जो दे रहे हैं, हमारी संस्था जो आपको दे रही है, वो ना किसी प्रैक्टिस सेट में पाएंगे ना किसी घटना चक्र में पाएंगे। अब आप कहेंगे सर एक ही तरह का वन लाइनर करेंगे, क्या होगा दोस्त? अगर आप एक ही तरह का शॉट खेलना जानेंगे वीरेंद्र सहवाग जी की तरह, तो कभी इन स्विंग आया तो पीछे कैच दे देंगे, कहानी खत्म। इसीलिए भले नंबर वन बैट्समैन विराट कोहली है, लेकिन 360 डिग्री एबीडी बिलियर्स को कहा जाता है, क्योंकि वो चारों तरफ शॉट खेलता है। और आपको भी उन तमाम प्रकार के प्रश्नों को करना है जिस प्रकार से पीसीएस में पूछा जा सकता है। और हम नहीं, हमारे संस्था के प्रत्येक अध्यापक उस तमाम प्रकार के सवाल आपको कराएंगे जैसा पीसीएस में पूछा गया है या पूछा जाएगा। तो यह पहला आपको केवल अभी क्लू दिख रहा है, अभी आगे आने वाले सवाल ऐसे ही मिलेंगे आपको। देखिए क्रम बताइए, हमने भी फिरोज शाह की मृत्यु डाल दी, अच्छा लगा था यह पॉइंट, कई लोगों को नहीं पता होगा कि फिरोज शाह मेहता जी की मृत्यु कब हुई थी। इसका क्रम का ऑप्शन कोई बताएगा? मेरे से पहले कोई अगर आंसर देना चाहे तो वो दे सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे खुशी ही होगी। देखिए ये बताइए कि जलियांवाला कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। हम डेट लिखते हैं फिर क्रम सजा लेंगे। जलियांवाला घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। वेरी गुड। जलियांवाला कांड हुआ किसके विरोध में था? रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, जो कि अंग्रेजों ने लाया था। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर कहीं पर भी कोई भारतीय संदिग्ध रूप में देख लिया जाए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए।
और उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जाए और सुनवाई की जाए और उसको सजा भी दी जाए। तो मतलब पहले रॉलेट एक्ट होगा फिर जलियांवाला कांड होगा, समझिए बात को। तो रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 18 मार्च 1919 को। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में ही तो रॉलेट सत्याग्रह होगा। सवाल ऐसे ही, क्रम वाले सवाल ऐसे ही होते हैं दोस्त, याद रखिएगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ये सवाल कभी नहीं कर पाएंगे, गुच्छ से करके चले आएंगे कुछ नहीं मिलेगा। बात समझिए, रॉलेट एक्ट होगा तभी तो रॉलेट सत्याग्रह होगा। तो रॉलेट एक्ट के बाद रॉलेट सत्याग्रह सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। और इसका गठन कहां हुआ था? बंबई में। और यह सवाल पूछा भी गया था युवा विकास कल्याण अधिकारी में, और नेट में आप डालेंगे ना बड़ा मुश्किल से, नेट में रॉलेट शब्द हटा, सॉरी एग्जाम में रॉलेट शब्द हटाकर सत्याग्रह सभा लिख दिया था। आप नेट में डालिए, खोजते रहिए, ठीक। तो रॉलेट एक्ट हुआ 18 मार्च को, मतलब 3 नंबर। उसके बाद फिर क्या हुआ? रॉलेट सत्याग्रह हुआ, फिर क्या हुआ? जलियांवाला कांड हुआ। अब एक मुद्दा फंस गया, ऐसे ही फंसाता एग्जाम में, कि फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई। इसीलिए अब देखिए, अगर आप इन तीनों क्रम को सही कर लें, हम आपको एक बस आइडिया बताते हैं, चौथा ऑप्शन नहीं है मान लीजिए, हटा देते हैं। तो मतलब पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। कहीं पर मिल रहा है 3, 2, 1, 1, 7? यहां पर तो नहीं मिल रहा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर भी नहीं मिल रहा, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पर देखिए 3, 2, 1, 1, 7 मिल रहा है। मतलब अगर इसका नहीं भी पता है, अगर आप 3 का क्रम सजा लिए तो आपका आंसर एकदम सही, एग्जैक्ट है, 80% ऐसे आप कर लेंगे, मैं बता रहा हूं। चारों जानते हैं तो इससे अच्छी बात है क्या? देखिए केवल मैं है 4 का क्रम, लेकिन मैं 3 के क्रम से सही आंसर कर दिया और आपका आंसर वाकई में सी है। तो कहने का मतलब इन घटनाओं के पहले किसकी मृत्यु हुई है? फिरोज शाह मेहता की। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1915। यही रीजन है, एग्जामिनर भी जानता है कि जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है हमारे, उनको इतनी चीजें याद नहीं हो सकती, इसीलिए वो आपके आईक्यू लेवल से खेलना चाहता है। और आपके आईक्यू लेवल से खेलने के लिए वो ऐसे ही प्रकार के सवाल बनाता है। उसे ये पता है कि अगर विद्यार्थी का आईक्यू लेवल है, क्योंकि आप ऑफिसर रैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आईक्यू लेवल भी उस लेवल का होना चाहिए। तो उसे ये पता है कि अगर विद्यार्थी का आईक्यू लेवल हाई, अगर वो 3 क्रम सजा लिया तो 4th आंसर उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जैसे अभी हमने आपको करके दिखाया दोस्त यहां पर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। यही नहीं है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। क्या कहा गया था? काला कानून। कभी भी पूछा गया कि काला कानून की संज्ञा किसको दी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। और यही नहीं, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला भी कानून कहा गया। क्या कहा गया? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून। और ये जो इसी के विरोध में गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में हड़ताल घोषित किया था, हड़ताल करने का आह्वान किया था, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और इसीलिए 8 अप्रैल को रामनवमी के दिन क्या हुआ कि पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हंसराज नामक व्यक्ति ने बैसाखी के दिन अर्थात 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक स्थान पर बैठक बुलाई। और वो जो जगह था जलियांवाला बाग दोस्तों, बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा था और यहां पर केवल 7.5 फीट का रास्ता था अंदर आने जाने का। यहां पर कई लोग एकत्रित थे और पंजाब के जनरल ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चला दी। और इसी घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और यही नहीं, ओ डायर को ब्रिटेन में इसके लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। और उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को ब्रिटेन जाकर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही आहत होकर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी।
नाइट, जिसका अर्थ क्या होता है सर। तो ये रहा आपका आंसर, पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिर रॉलेट एक्ट, फिर रॉलेट सत्याग्रह सभा, फिर जलियांवाला बाग हत्या कांड। और इसी बाघ हत्या कांड के जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमिटी और भारतीयों के द्वारा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में तहकीकात कमेटी का गठन हुआ था। अब इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप पढ़ लीजिए। अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलें दोस्तों अगले प्रश्न पर चलिए। हां, ये सवाल मैंने बहुत सोच के बनाया था दोस्त। आपको यकीन नहीं होगा कि 15-20 सवाल बनाने में मुझे कम से कम 6.5-7 घंटे लग गए। आपको लग रहा होगा कि सर हास्यप्रद बातें कर रहे हैं, ये हास्यप्रद बातें नहीं है दोस्त। मैथ का सवलवा भी करने में जैसे आप लोगों को समय लग जाता है, वैसे हम लोगों को भी सवाल बनाने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि सो के उठे सवाल लिख दिए। ठीक, ये सवाल आप देखेंगे, ये सवाल मुझे बड़ा लाजवाब लगा मैं जब बना रहा था, और मुझे बहुत खुशी लगी। ये सवाल पूरा आईएएस लेवल का है, पूरा सिविल लेवल का है। कोई ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन गलत है क्योंकि ये क्या है सवाल, निम्न में से कौन सा कूट गलत है। हमने आपसे क्या कहा, हम पीसीएस के सवाल कराएंगे तो पीसीएस के पैटर्न पे, सिविल के पैटर्न पे जितने भी प्रकार के सवाल आते हैं वो सारे प्रकार के सवाल आपको करवाएंगे। और ये जो बातें दी गई हैं, बातें ये पूरी पुर्तगालियों के बारे में है, क्योंकि भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। ठीक, और उन्हीं के द्वारा भारत में कई सारी चीजों की शुरुआत हुई थी, और इनकी पहली व्यापारिक कोठी जो खुली थी कोचीन में खुली थी, क्योंकि 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा आया था भारत। तो इसमें सवाल है, निम्न में से कौन सा कूट गलत है, और ये फैक्ट है। भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे, और सबसे आखिरी में जाने वाले भी कौन थे दोस्तों, पुर्तगाली ही थे। तो पहला है सवाल है, ध्यान समझिएगा, कौन सा कूट गलत है पूछ रहा है। कभी कभार तो लोग गांधारी बनकर ये कर देते हैं, कौन सा कूट सही वाला भी टिक कर देते हैं। सवाल को पूरा पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। पहला ऑप्शन है, पुर्तगाली सबसे आखिरी में 1958 में गए। भाई सही है, पुर्तगाली सबसे आखिरी में गए। तंबाकू की खेती की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में हुई, यह भी फैक्ट है। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा ही हुई थी, और किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। और यही नहीं, तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध भी किसने लगाया था, जहांगीर ने। अगर कभी आपको पूछ दिया गया कि तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। अगला, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1956 में हुई, यह भी फैक्ट है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा ही हुई, और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो गोवा और बंबई में हुई थी। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। या आपसे पूछा गया कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1556। या आपसे पूछा गया कि भारत के किस स्थान पर सबसे पहले छपाई खाना या प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, तो आंसर हो जाएगा बंबई और गोवा। अगला, वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में हुई, यह भी एग्जैक्ट आंसर है। देखिए, कई लोग नहीं जानते होंगे, वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। पहले तो 1498 में आया था, जब जैमोरिन ने उसका स्वागत किया था कालीगढ़ बंदरगाह पर। दूसरी बार 1502 में आया और 1503 में चला गया। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत 1524 में आया था, और यह पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। क्या बनकर आया था, पुर्तगाली वायसराय। और इसकी मृत्यु भारत के कोचीन में ही हुई है। बाद में इसकी अस्थियों को ले जाकर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दफना दिया गया। और यह कौन बने करोड़पति का सवाल भी था कि निम्न में से किस पुर्तगाली वायसराय की मृत्यु भारत में हुई, तो आंसर है, उस समय कोचीन में हुई थी, तो आंसर था वास्को डी गामा। और यही नहीं, अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, किसको दोस्तों, अल्बुकर्क को, उसकी भी मृत्यु भारत में हुई है, उसकी मृत्यु भारत में गोवा में हुई थी। ठीक, और यही नहीं, गोवा में जिसने गोवा था उसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से सीना था,
जिसने बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया है, और भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। तो मुद्दा यह है कि हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कूट गलत है? चारों सही है तो गलत कौन सा है, कोई बता पाएगा? ये गलत है। ऐसे ही लोग गलती कर देते हैं और सवाल छोड़कर निकल जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं अपना। देखिए दोस्त, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, सभी कहते हैं। सवाल लाइन सही है, अगर मैं डेट को ढक दूं, ठीक, मान लीजिए इसको मैं हाइड कर दिया, तो ये एकदम सही है, पुर्तगाली सबसे आखिरी में गए। लेकिन 1958 दिया है, पुर्तगाली 1958 में नहीं गए थे दोस्त, पुर्तगाली कब गए थे? 1961 में, गोवा और दमन दीव छोड़कर। ऐसे प्रकार के सवाल आपके सिविल लेवल के आते हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही आप फंस जाते हैं। तो आपका जो आंसर है कौन सा कूट गलत है, तो आंसर यह है कि पुर्तगाली, देखिए अगर ये 1958 ढका होता तो आपका ये चारों आंसर सही होता, तो मतलब सवाल गलत है। लेकिन चूंकि डेट 1958 लिख दी गई है, इसीलिए ये वाला कूट आपका गलत है। यहां पर अगर 1961 में गए हैं पुर्तगाली भारत से, और भारत में आने वाले भी सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे, और सबसे आखिरी में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। भारत में प्रथम अस्थाई सरकार का गठन किसने किया? अभी थोड़ी देर पहले जब हम सूर्य सेन का टॉपिक करा रहे थे आपको, तो हमने वहां बताया था कि सूर्य सेन ने भारत में दूसरे अस्थाई सरकार का गठन किया था, क्लियर। और वही मैं बोलते बोलते आपको बोल गया था कि भारत में पहले अस्थाई सरकार का गठन किसने किया है, महेंद्र प्रताप सिंह ने किया है। तो इसका आंसर होगा महेंद्र प्रताप सिंह। लेकिन इसकी कहानी कैसे, ये तो सिर्फ ये है, नेहरू जी आंसर नहीं है, बरकतुल्ला खां जुड़े हैं इससे, बताते हैं, समझिएगा। महेंद्र प्रताप सिंह ने जो ये अस्थाई सरकार का गठन किया था, इन्होंने काबुल में किया था, और ये स्वयं इसके राष्ट्रपति थे, और बरकतुल्ला खां अस्थाई सरकार के प्रधानमंत्री थे, और अहमद सिंधी इस अस्थाई सरकार के गृह मंत्री थे। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं इसमें। तो ये जो महेंद्र प्रताप सिंह थे, ये हाथरस के राजा थे, आगरा के आगे है हाथरस, ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐतिहासिक स्रोतों से ऐसा कहा जाता है कि 1915 में बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन हुआ था, और वहीं से कुछ सदस्य जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनके साथ बरकतुल्ला खां और एक अंग्रेज भी था जिसका नाम था फॉन हेंटिंग। कौन? फॉन हेंटिंग, मतलब महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला खां और फॉन हेंटिंग, इन तीनों को काबुल भेजा गया, और इन्हीं तीनों ने काबुल में एक निर्वासित, मतलब प्रथम अस्थाई सरकार का गठन किया। और यही नहीं, महेंद्र प्रताप सिंह ने जिहाद के दम पर, किसके दम पर? जिहाद के दम पर अंग्रेजों के नाकों में एकदम दम कर दिया था, अंग्रेज की नाक में इन्होंने जिहाद के नाम पर दम कर दिया। तो पूरा निष्कर्ष यहां से इस प्रश्न निकलता है कि सवाल था कि भारत में प्रथम अस्थाई सरकार का गठन किसने किया, तो आपका आंसर था सूर्य सेन। और उसके साथ साथ हमने यह बताया, क्या था आपका आंसर? सूर्य सेन? ना ना ना, आपका आंसर था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। सूर्य सेन ने दूसरे अस्थाई सरकार का गठन किया था दोस्त, फ्लो फ्लो में गलत मत करिएगा। और इसके ये स्वयं राष्ट्रपति थे, बरकतुल्ला खां अस्थाई सरकार के प्रधानमंत्री थे, अहमद सिंधी इसके गृह मंत्री थे, और ये इसका अस्थाई सरकार का जो गठन हुआ था वो कहां पर हुआ था?
काबुल में हुआ था। और जैसा कि मैंने क्या कहा कि ऐसा कहा जाता है कि 1915 में बर्लिन में वो भारत स्वतंत्रता समिति का गठन हुआ था और वहीं से बरकतुल्ला खां, महेंद्र प्रताप सिंह और फॉन हेंटिंग आए थे काबुल, जिन्होंने यहां पर अस्थायी सरकार का क्या किया, गठन किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सवाल में काफी मजा आ रहा होगा। हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं, छठवें सवाल। ये देखिए दोस्तों, सवाल का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए, चाहे जो करना है आप कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अभी तक आपने एक दो पैटर्न के सवाल देखे थे। पहला था कि निम्न में से कौन सा कूट गलत है, दूसरा था कौन सा कि क्रम से सजाइए। एक मिनट दोस्तों, शायद मुझे लग रहा है दूसरा था निम्न को क्रम से सजाइए। अब ये तीसरे पैटर्न का सवाल, और मैं दावा कर रहा हूं कि ऐसा अभी सिर्फ प्रैक्टिस सेटों में ही मिल रहा होगा आपको, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिला होगा। हमने कहा ना कि हमारी संस्था बहुत मेहनत कर रही है और आप हमारे इस मेहनत के भागीदार बनना चाहते हैं तो हमारी संस्था के इस पीसीएस के बैच से आप जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको व्हाट्सएप उठाना है अपना और आपको एंट्री यूपी पीसीएस प्री कम मेंस लिखना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक, एंट्री यूपी पीसीएस प्री कम मेंस लिखना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है और आप हमारे मेहनत के भागीदार बन जाएंगे और आप हमारे साथ भी मेहनत करेंगे और हम आपके लिए ऐसे मेहनत करते रहेंगे। खैर, ये सब अपनी जगह है, हम आते हैं अपने पढ़ाई के मुद्दे पर, अपने टॉपिक पे जो हमारे लिए जरूरी है। मिलाप मैच द फॉलोइंग, इस प्रकार का सवाल भी आता है एग्जाम में और इस प्रकार का सवाल भी बड़ा लाजवाब आता है। ठीक, जैसे कि अभी तक की क्लास में हमने क्या हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलन दूसरा चरण खत्म कर लिया, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन सब समझ लिया, पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा सा जान लिया। अब यह प्रश्न देखिए, निम्न में से सुमिलित कीजिए, कौन किस घटना से जुड़ा है, निम्न में से कौन किस घटना से जुड़ा है। तो ये सभी जानते होंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल किस घटना से जुड़े हैं, काकोरी कांड से। पहले तो आप लोग पहले का डी खोजेंगे, पहले का डी तो दो में है। अब दूसरी तरफ बढ़ेंगे, चापेकर बंधुओं ने क्या किया था 1896-97 में, महाराष्ट्र के दो अधिकारी थे रैंड और आयरेस्ट, जिनकी इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। रीजन क्या था कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण यह अधिवेशन बंबई में हुआ। और यह अधिवेशन जब बंबई में हुआ तो वही जो पुणे में प्लेग फैला था उन्हीं प्लेग से पीड़ित व्यक्तियों की देखरेख के लिए रैंड और आयरेस्ट, ठीक यहां कॉर्नर में लिख दे रहे हैं आप समझ जाइए, रैंड और आयरेस्ट नामक दो अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। और जब ये दोनों अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे थे तो 1897 में चापेकर बंधु, ये दो भाई थे बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, इन दोनों भाइयों ने क्या किया, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी रैंड और अरेस्ट की। बहुत बढ़िया किया, ठीक, और जिसके कारण इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत जो भारत में हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी और इन्हीं दोनों भाइयों ने व्यायाम मंडल का गठन किया था, तो इनका मिलाप क्या हो गया, व्यायाम मंडल। अब फिर आप ऑप्शन खोजने चले जाएंगे कि भाई दो का ए कहां किसमें है, तो दो का ए इसमें है और पहले का डी इसमें है, तो आपका ये आंसर हो जाता है। इसमें इसी प्रकार बढ़ना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो उसमें से जो कई लोग हैं जो कई बार पीसीएस दे चुके हैं, कई लोग होंगे जो मेंस दे चुके होंगे, कई लोग होंगे हमारे सीनियर लोग भाई लोग जो क्या कहते हैं इंटरव्यू तक दे चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो पहला अटेम्प्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि जब भी कोई बच्चा अपने घर से या गांव से निकलता है तो उसके मन में दो ही सपना रहता है, या तो वो डीएम बनेगा या तो एसडीएम बनेगा।
भले वो मेहनत चाहे इतनी सी करे लेकिन उसके ख्वाब डीएम और एसडीएम के रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, जो बड़ा ख्वाब देखता है वही बड़ा भी बनता है। ठीक है, लोग कहते हैं ना बड़े ख्वाब मत देखो, नहीं छोटा ख्वाब देखेंगे तो छोटे में ही रह जाएंगे ना। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो फिर आप तभी तो उतनी दूर तक जाने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं कि ख्वाब देखें और सो जाएं, ये कोई ख्वाब नहीं। इसीलिए एपीजे साहब जी कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो ख्वाब बड़ा देख रहे हैं, उसकी पूरी करने की भी क्षमता भी रखिए, मेहनत भी करिए और हम आपके साथ हैं। तो जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो न्यू कमर है, जो पहली बार पीसेस दे रहे हैं, उनको हम ये ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आप नाभिचार करके एक दो ठो से अपना आंसर निकाल सकते हैं। चारों के चक्कर में जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया तो, लेकिन अब बाकी लोगों को भी मैच कर लेते हैं। जो भगवान अहिर हैं ये चौरी चौरा कांड से जुड़े हैं, समझा देंगे, और जो बाघा जतिन हैं ये हावड़ा षड्यंत्र से जुड़े हैं। तो अब देख लीजिए, तीन का बी भी है इसमें, चार का सी भी है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आप चाहें तो इसकी फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन हो। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो काकोरी कांड से जुड़े हैं, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एचआरए संगठन के ये सदस्य थे। तो लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन ट्रेन 8 जो है वो ट्रेन का नंबर था। 8 डाउन ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया, इसीलिए इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी गुमनाम रूप से। इनके साथ 3 और आरोपी थे, उनको भी फांसी दी गई थी। बता देते हैं किसको कहां कहां फांसी दी गई थी। इनके साथ जो 3 और आरोपी थे, एक थे अशफाक उल्ला खां। कौन थे दोस्त? अशफाक उल्ला खां, जिनको फैजाबाद में फांसी दी गई। तीसरे जो थे वो थे रोशन लाल, जिनको इलाहाबाद में फांसी दी गई। और एक और थे, वो थे राजेंद्र लहड़ी, जिनको गोंडा में फांसी दी गई। ठीक, ये काकोरी कांड के मुख्य 4 आरोपी थे। उसके बाद चापेकर बंधुओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1897 में इन्होंने रैंड और आयरिस्ट की हत्या कर दी थी व्यायाम मंडल के तहत, जिसके बाद इनके द्रविड़ बंधुओं ने इनकी मुखबिरी की थी और इनको फांसी दे दी गई थी। भगवान अहिर, चौरी चौरा कांड आप सब जानते होंगे, ये बहुत ही फेवरेट सवाल है, ट्रेन भी चलती है हमारी चौरी चौरा एक्सप्रेस। चौरी चौरा कांड जो था वो गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया था और यह आंदोलन पूरे भारत में था, क्योंकि गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया था 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद इन्होंने चंपारण में इनको सफलता मिली, इनको खेड़ा में सफलता मिली, इनको अहमदाबाद में सफलता मिली। भारत में इनका पहला सत्याग्रह चंपारण हुआ, पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद हुआ, लेकिन जलियांवाला बाग घटना से आहत होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था और इसमें इनको अली ब्रदर्स का समर्थन मिला था। जब यह आंदोलन चरम सीमा पर था तो क्या हुआ कि ये जो भगवान अहिर है, ये नाम है, भगवान नहीं है ये। अब कहीं कोई ये मत सोच लेना अहिर भगवान है, नहीं नहीं नहीं, ये नाम है इंसान का। जो ये भगवान अहिर थे, ये क्या किए थे कि पूर्व सैनिक थे, तो ये भी आंदोलन के हिस्सेदार थे। तो गोरखपुर में क्या हुआ, चौरी चौरा पर इनको पुलिसों ने खूब मारा, इनके और आंदोलनकारियों को, जिसके कारण आंदोलनकारी गुस्सा होकर एक पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को बंद करके जिंदा जला दिए। कब जला दिए? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को। जब उनको वो जिंदा जला दिए तो जिसके कारण गांधी काफी आहत हुए, क्योंकि गांधी अहिंसक के पुजारी थे। ठीक, तो हिंसक घटना हुई, इसीलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। तो कभी भी पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन, ये भगवान अहिर वाला पॉइंट, आज जो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा टारगेट भी था लोग, इसीलिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता, ऐसे ही लोग कमेंट नहीं करते हैं कि TWA इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, ये है। ये पॉइंट जो आज देख रहे होंगे, कई लोग होंगे जो पहली बार ये पॉइंट सुन रहे होंगे कि भगवान अहिर नाम का भी कोई व्यक्ति था चौरी चौरा कांड में, इसीलिए TWA बेस्ट इंस्टीट्यूट है दोस्त, यही रीजन है। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे अपने। तो हमने क्या कहा, अगर कभी पूछा गया
कि असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया गया, तो आपका आंसर होगा चौरी चौरा कांड की वजह से। और कब हुआ? 5 फरवरी 1922। और चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया? तो 12 फरवरी 1922। बाघा जतिन जो है ये हावड़ा षड्यंत्र से जुड़े हैं। इनका वास्तविक नाम बाघा जतिन नहीं है। देखिए थोड़ा सा क्लाइमेक्स किया गया, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया। आप जब कभी बंगाल जाएंगे तो वहां बाघा जतिन एक्सप्रेस चलती है, लोकल ट्रेन भी चलती है हावड़ा स्टेशन पे। इनका वास्तविक नाम जतींद्रनाथ मुखर्जी था, जतींद्रनाथ मुखर्जी। इन्होंने क्या किया था कि हावड़ा में एक जर्नल था शमसुल्क आलम, जो कि क्या कहते हैं क्रांतिकारियों पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा था, और इन्होंने उसी शमसुल्क आलम को गोली मारी थी, और इसके तहत इन पर हावड़ा षड्यंत्र के तहत इन पर केस चलाया गया था। बाद में लोग कहते हैं कि केस कंफर्म नहीं हुआ तो इनको एक साल बाद छोड़ दिया गया, कुछ लोग कहते हैं फांसी दे दी गई। इसमें ऐतिहासिक मतभेद चल रहा है, किताबें लिखती हो केवल अपने आप को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। ठीक, तो यहां पर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो फिर लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस महिला ने कांग्रेस का अधिवेशन नहीं किया था? ठीक, ये बहुत आसान सा सवाल है। आप सोच रहे, आप लोग ये हम इसलिए आसान सवाल डाल दिए कि आप ये ना सोचे कि अरे सर तो एकदम टफ टफ सवाल बनाकर आए हैं, और फिर सर कहते हैं कि अपवाद मत पढ़ी। अपवाद कुछ नहीं है, केवल आपके टॉपिक आज सवाल के साथ मैं आधुनिक भारत के आपके 30-35% टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं, इसलिए लाया हूं। ठीक, आसान से सवाल इसलिए डाल दिया कि ताकि जब आपका थोड़ा प्रेशर हो, मतलब नए नए चीजों को देखकर, तो कोई जानी मानी चीजों को देखकर आप खुश भी हो जाएं कि नहीं हमको भी कुछ आता है, आपको सब आता ही हम जानते हैं। तो यह सवाल है कि निम्न में से किस महिला ने कांग्रेस का अधिवेशन नहीं किया था। कांग्रेस की स्थापना भारत में 1885 में हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, आप लोग जानते ही होंगे। बता देता हूं 1885 में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, और इस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और भारत में जो कांग्रेस के सचिव बनाए गए थे वो कौन थे? एओ ह्यूम थे, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से। क्लियर। और यही नहीं, भारत में जो था इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले इसका नाम इंडियन मतलब जो था इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस करने का श्रेय दादा भाई नेहरूजी को जाता है। ठीक, ये भारत में दूसरे नाम से आया था, वो नाम मैं अभी सब बता दूंगा तो फिर क्लास नहीं पढ़ेंगे ना, वो नाम मैं क्लास में बताऊंगा। तो ये बता देता हूं आपको हिंट, INC का नाम करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। किसको जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी की खास बात क्या है? ये एक पारसी व्यक्ति थे। ठीक, पारसी थे, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है, और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कभी आपसे पूछ दिया गया कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। हम आते हैं टॉपिक पे। तो कांग्रेस की स्थापना, भाई जब तक कांग्रेस की स्थापना नहीं होगी अधिवेशन कराएंगे कैसे? पहला आंसर है कस्तूरबा गांधी, सॉरी पहला ऑप्शन है। मेरा सवाल था कि निम्न में से किस महिला ने कांग्रेस का अधिवेशन नहीं किया है, तो क्या कस्तूरबा गांधी ने किया है दोस्त? बिल्कुल सही, यही आपका आंसर है, कस्तूरबा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन नहीं किया है। ठीक, तो बाकी तीनों महिलाओं ने किया है। किसने? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने कांग्रेस का अधिवेशन कब किया है? 1924 में कानपुर में किया था। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कानपुर में। नलिनी सेन गुप्ता ने भी किया है, ये भारतीय मूल की विदेशी महिला थी, इसीलिए कभी आपसे पूछ दिया गया कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। यह ये पूछा गया एकमात्र पूर्ण भारतीय महिला जिसने भारत में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। तो नलिनी सेन गुप्ता ने 1933 में किया था, कहां पर किया था? कलकत्ता में किया था। और एनी बेसेंट ने 1917 में किया था, कलकत्ता में। और एनी बेसेंट की खास बात क्या है कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
कभी भी आपको पूछा गया कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एनी बेसेंट हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, आपको एक ट्रिक बता देता हूं आज, ठीक। ये तो दोस्तों केवल ट्रेलर है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं सवाल, हम लोग जो सॉल्व करा रहे हैं, अब अगर सवाल सॉल्व करते हुए इतनी जानकारी हम आपको देते हैं तो आप सोचिए कि हम अपने बैच में कितनी जानकारी आपको देते होंगे, ठीक। हम एक ट्रिक बता रहे हैं, ये तीनों महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक। एनी बेसेंट 1917, ठीक, और सरोजनी नायडू जो थी उन्होंने 1925 में किया था, कहां पर? कानपुर में, क्योंकि 1924 में बेलगांव का था गांधी का, सॉरी उसके लिए गलत होगी डेट। तो पहली जो थी वो एनी बेसेंट थी, 1917 में किया था। दूसरी जो थी वो नलिनी सरोजनी नायडू थी 1925 में कानपुर में। तीसरी जो थी वो नलिनी सेन गुप्ता थी 1933 में कलकत्ता। ट्रिक क्या बता रहे, कभी भी आपको अगर महिलाओं के अधिवेशन का डेट नहीं याद हो रहा है तो पहला किसने किया है? एनी बेसेंट ने। तो 1917 में पहला अधिवेशन, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इसमें 8 जोड़ दीजिएगा, 8 जोड़ देंगे तो 1925 आ जाएगा। 1925 में कानपुर, सरोजनी नायडू द्वितीय महिला अध्यक्ष, और फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो 1933 आ जाएगा, नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता तृतीय महिला अध्यक्ष। ये महिलाओं, जो महिलाओं ने जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ये इनको याद करने का ट्रिक है। इसी प्रकार हमारे पास पूरे अधिवेशन को याद करने का ट्रिक है, सब चीजें मिलेंगी लेकिन समय से दोस्त, ठीक। तो ये सवाल आप चाहे तो लिख लें, ट्रिक चाहे तो लिख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी मर्जी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्त। चलिए, कौन सा कूट गलत है, ठीक। फिर उसी प्रकार का सवाल आ गया, लेकिन उस प्रकार का नहीं है। आप लोग कहेंगे कि सर आप तो इस प्रकार का करा चुके, वहां पर जो कूट वाला सवाल था मेरे दोस्तों वो लाइन वाइज, वो सेंटेंस वाला था। सेंटेंस में पूछ रहा था मैं कि कौन सा कूट गलत है, और यहां पर सेंटेंस नहीं वर्डिंग वाला सवाल है। इसलिए हमने आपसे कहा था ना कि आज की क्लास में हम आपको सारे प्रकार के प्रश्न कराएंगे जितना एग्जामिनर सोच सकता है। अगर एक सीधी लैंग्वेज में कहा जाए अपनी भाषा में कि तुमको जितना सोचना है सोच लो, जहां तुम्हारी सोच खत्म होगी वहां से मेरी चालू हो जाती है, तो एग्जामिनर पेपर बनाने जितना चाहे उतना सोच ले, वहां से हम लोग सोचना चालू करते हैं कि ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये जो सवाल है कि कौन सा कूट गलत है, ये जो सवाल है ये 1857 की विद्रोह से संबंधित है। आप जानते होंगे 1857 का विद्रोह, इसको भारत का पहला सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, लेकिन अगर थोड़ा डीप पढ़ाई किया जाए तो ये पहला सैनिक विद्रोह नहीं है। पहला सैनिक विद्रोह जो 1806 में हुआ था, 10 जुलाई 1806 में वेल्लोर का विद्रोह था, वो था। खैर वो सब टॉपिक बाद में 1857 क्रांति में पढ़ेंगे, उसे हटा दीजिए। ये थे अलग अलग जगह के अलग अलग स्थानों के नेतृत्वकर्ता, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था वो क्या हुआ था कि पहले यह हुआ कि 31 मई 1857 को संगठित रूप से होगा, लेकिन भारत में क्या हुआ कि आंतरिक कला की वजह से हमारे बहादुर मंगल पांडे, जो कि 34वीं छावनी के सैनिक थे, उन्होंने क्या किया कि 29 मार्च को लेफ्टिनेंट बॉग और होरोसेन को, ठीक, की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। एनसीईआरटी लिखती है 29 मार्च। दोस्त देखिए, लोग कहते हैं ना सर एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने से तो काम हो जा रहा है, वो नहीं, हम लोग सब पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में डेट है मंगल पांडे की फांसी 29 मार्च, लेकिन आपका कमीशन आंसर मानता है 8 अप्रैल। गूगल में भी डालेंगे तो 8 अप्रैल मिलेगा, तो फिर मतलब एनसीईआरटी गलत है। इसीलिए हम वो पढ़ाते हैं आपको जो आपका आंसर सही कर दे, इसीलिए हम पर भरोसा करिए, इसीलिए हमारी संस्था बेस्ट है, और मैं तो बनने का प्रयास कर रहा हूं, अभी तो गुड भी नहीं हुआ हूं। चलिए, तो ये थे एक अलग, तो जो विद्रोह था मंगल पांडे ने चालू कर दिया, तो इसीलिए वो विद्रोह संगठित रूप से नहीं हो पाया, अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप में चला। तो असम में जो नेतृत्व किए थे वो कौन थे? मणिराम दत्त, सही है।
पियाली बरुआ और मनीराम दत्त ने कहां पर नेतृत्व किया था? असम में। लियाकत अली ने बनारस में किया था, बिल्कुल सही है। अगर ये देखिए दोस्त, मैंने फिर सवाल को ट्विस्ट कर दिया है। लोग जानते होंगे कि लियाकत अली ने केवल इलाहाबाद में नेतृत्व किया है, तो ये सही है, लेकिन नहीं, लियाकत अली ने इलाहाबाद के साथ साथ बनारस में भी नेतृत्व किया था, जिसका दमनकर्ता कर्नल नील था। यही सवाल पीसीएस में लास्ट के लास्ट ईयर आया था, और उसमें लियाकत अली के सामने दूसरा ऑप्शन था, ना कि बनारस था ना कि इलाहाबाद, इसीलिए वो कूट गलत था। उसमें भी सेम प्रकार का सवाल था, ऐसा नहीं था दोस्त आप चाहे, उसमें गुलाब गुलाब सिंह वाला था, कश्मीर वाला, आप देख लीजिए। हम आपको क्यों बताते हैं कि ऐसा सवाल आया हुआ है, ताकि आपको यह ना लगे कि हम जो बोलते हैं बहुत ज्यादा बोलते, नहीं, हम सवाल पढ़ के खड़े होते हैं, इसलिए बताते हैं कि इस ईयर में आया, उस ईयर में आया, ताकि आप हम पर भरोसा कर सकें। तो हमने क्या कहा कि लियाकत अली ने बनारस में भी नेतृत्व किया और इलाहाबाद में भी। कभी कभार सवाल को टिपिकल वे में घुमा दिया गया, अगर इलाहाबाद की जगह बनारस लिखा मिल गया तो भी आपका वो कूट सही है, कूट गलत मत कर दीजिएगा, गांधारी मत बनिएगा, पट्टी मत बांध लीजिएगा प्लीज। अगला ये जय दयाल होगा दोस्त, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो सकती है, जय दयाल है, ठीक, जय दयाल राजस्थान, क्या ये सही है? अब मान लीजिए आपने कभी जय दयाल के बारे में सुना ही ना हो तो आप टिक कर देंगे, लेकिन चौथा तो पढ़ लीजिए, चौथा तो चार चार ऑप्शन है ना, अहमदुल्ला कानपुर, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि अहमदुल्ला ने कहां किया था? फैजाबाद में किया था। तो कहने का मतलब जय दयाल वाला सही है। तो मतलब आज आपने एक नई बात सीख ली है कि जो हमारी तरह बिलो एवरेज होंगे, जो कम पढ़ते हैं, उन्होंने नई बात सीखी कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? जय दयाल ने। और यही नहीं, आपको बता देते हैं, चूंकि आपने नया सुना है तो मैं इसमें आपको भी बता देता हूं, जय दयाल थे, जय दयाल और इनके भाई हर दयाल, इन दोनों ने मिलकर, इन तीनों के बारे में सब जानते होंगे लेकिन समझा दे रहा हूं अभी, जय दयाल और इनके भाई हरदयाल ने मिलकर राजस्थान में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और राजस्थान में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व का जो प्रमुख केंद्र था, राजस्थान में 1857 का जो प्रमुख केंद्र था वो कोटा था। और यही नहीं, जय दयाल से लोग इतने परेशान हो गए थे कि अंग्रेजों ने इनको तोप के सामने बांध कर उड़ा दिया था। कितने बुरे थे, हमारे के यहां खाते थे, हमारा ही पैसा लेते थे और हमें ही मारते भी थे। तो जय दयाल को कहा जाता है कि अंग्रेजों ने तोप के आगे बांध कर इनको उड़ा दिया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज एक नई बात सीखे, कई नई बात सीखे, लेकिन यह नया पॉइंट शायद कई लोगों के लिए होगा, जैसे भगवान अहिर था वैसे आज यह भी है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जय दयाल ने किया था। और जय दयाल और राजस्थान में 1857 का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कोटा था। अब जो हमारे न्यूकमर दोस्त हैं उनके लिए बता रहा हूं, अहमदुल्ला ने फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यही नहीं, अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का जो मोटो बनाया वो जिहाद को बनाया। इन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिमों एक हो जाओ और ईसाइयों को भारत से बाहर कर दो। तो इसीलिए कभी भी आपसे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में जिहाद को आधार किसने बनाया, तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदुल्ला। और इसके साथ साथ यही नहीं, अंग्रेज इनसे इतने परेशान हो गए थे कि इन पर 50,000 का इनाम भी लगा था कि जो इनको पकड़ के देगा उसको 50,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। हम हट जा रहे हैं, कई लोग हो सकता है मेरे साथ लिख भी रहे हो। तो कभी भी पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में किस पर 50,000 रुपए का पुरस्कार था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदुल्ला हो जाएगा। और कानपुर में नेतृत्व किसने किया था ये भी बता दे रहे हैं, नाना साहब और तात्या टोपे ने। किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे ने। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इनका वास्तविक नाम धोदू पंत था, ठीक, क्या था? धोदू पंत। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और यही नहीं, ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ भी थे। और तात्या टोपे को जॉर्ज फॉरेस्ट ने
1857 के विद्रोह का सर्वश्रेष्ठ नेता भी बताया है। और यही नहीं, इनके मित्र राम सिंह ने इनके साथ विश्वासघात किया था, जिसके कारण ग्वालियर में इनको फांसी दे दी गई। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ग्वालियर में इनकी भी मृत्यु हुई थी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का भी मकबरा है। यह प्रश्न समझ में आया दोस्तों? आंसर भी समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही सुमिलित है? फिर एक नए प्रकार का सवाल आपके सामने आ गया। फिर से, मतलब अभी तक आप 9 सवाल किए हैं और 9 सवाल में 5 प्रकार के सवाल हम आपको करा दिए हैं। इससे ज्यादा कुछ बनता नहीं है, इससे ज्यादा जो कथन और व्याख्या बनती है वो हम बाद में बताएंगे ना, वो तो क्लाइमेक्स है, हर चीजें अभी दे देंगे ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए, ये एक 5वें प्रकार का सवाल आज आपके सामने है और ये आखिरी सवाल है। और 9 सवाल तक हम उम्मीद कर रहे हैं आप अपने दिल से पूछिए, इस 9 सवाल को करने करते करते, अभी ये बचा है 8 सवाल करते करते, आप कितने आधुनिक भारत के पॉइंट सीख गए हमारे साथ? अगर नोट्स में लिख रहे होंगे साथ साथ में, तो आप खुद मिलाइएगा, चाहे आप घटना चक्र उठा लीजिएगा, चाहे युद्ध उठा लीजिएगा, चाहे जो किस पुस्तक उठा लीजिएगा, आप उससे जुड़े हुए टॉपिक के सवाल आप कर ले जाएंगे। तो चलिए आते हैं। कौन सा युग्म सही सुमिलित है? अभी तक हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे कि कौन सा कूट गलत है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो क्या है, कौन सा कूट सही सुमिलित है? तो ये कुछ युद्ध हैं और इनके साथ हुआ था, ठीक। आप देख लिए सवाल, उत्तर देने का प्रयास भी करिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो उत्तर दीजिए, ना चाहें तो हम तो हैं ही उत्तर देने के लिए। देखिए, लिखा है कि बक्सर का युद्ध का नेतृत्व वेलेजली कर रहा था, तो क्या यह सही है? बक्सर के युद्ध का नेतृत्व वेलेजली किया था? नहीं, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व वेलेजली नहीं किया था, तो यह तो गलत है। वांडीवास का युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो? नहीं, यह भी गलत है। पलासी के युद्ध का नेतृत्व आयरकोट? नहीं, यह भी गलत है। चिलियावाला का युद्ध कंपनी और सिख के बीच में हुआ था? जब तीनों गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक सही नहीं हो जाएगा? जब तीसरा, तीनों गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक सही नहीं हो जाएगा दोस्त? अब बात समझिए, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो किया था। और बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 22 अक्टूबर 1764। वांडीवास के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने किया था। और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, एंग्लो फ्रेंच, कर्नाटक के तृतीय युद्ध के समय। पलासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव और वाटसन। और पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक। बक्सर के युद्ध में कौन कौन थे? बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। चिलियावाला का युद्ध क्या है? चिलियावाला का युद्ध क्या है? यह हो सकता है कई लोग पढ़े हों या हो सकता है कई लोग पढ़ चुके हों। चिलियावाला का जो युद्ध है दोस्त, यह 1849 में हुआ था, ठीक, समझते जाइए, कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। और ये क्या था कि जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध चल रहा था तो उस समय चिलियावाला का युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ था कि इसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व गाफ कर रहा था और सिखों की सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? शेर सिंह। और
1849 में ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसमें 3 युद्ध हुए थे। इसके बाद चिलिया वाला जो था ये दूसरा युद्ध था, तीसरा जो युद्ध था उसके पहले जो था वो रामगढ़ का युद्ध था, और इसके बाद वाला जो था वो गुजरात का युद्ध था। ये आंग्ल सिख के दूसरे युद्ध में बता रहा हूं, तीनों युद्ध हुए थे, रामगढ़ का युद्ध, चिलिया वाला युद्ध और गुजरात का युद्ध, जिसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं। ये जो गुजरात का युद्ध हुआ था आंग्ल और सिख में, इसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक। और इसी के बाद लाहौर की संधि हो जाती है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है कुछ समय पहले, और दिलीप सिंह के साथ संधि हो जाती है, और सिख का विलय, सिख साम्राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो जाता है। तो यह भी हो सकता है कई लोगों के लिए नया पॉइंट हो, चिलिया वाला युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुआ था कंपनी और सिख में, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से गौफ था और सिखों की तरफ से शेर सिंह थे। तो हम अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। यहां पर हमने आपको बता दिया था सारी चीजें, अगले प्रश्न पर चलते हैं, वो है 10वां प्रश्न, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी, ठीक। ये सभी जानते होंगे कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर है जाप चरनाक ने, ठीक। 1692 में कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। लेकिन बाकी 3 जो बच रहे हैं उन्होंने भी भारत में कुछ ना कुछ शहर की स्थापना की है। यही रीजन है, आप सवाल बनाने के लेवल को देखिए, यही रीजन है कि एग्जामिनर भी ऐसे सवाल बनाता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो गैरोड अंगियार ने बंबई शहर की स्थापना की है, सिराजुद्दौला ने अलीनगर शहर की स्थापना की है जो कि अलीनगर संधि था, और जाप चरनाक ने कलकत्ता, और मार्टिन कहीं कहीं फ्रांसिस डे भी रहेगा, तो एक मिनट आप गलत मत करिएगा, मार्टिन ने पौंडिचेरी शहर की स्थापना की है। और आप जानते हैं मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या? भारत में फ्रांसीसियों की बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और यही नहीं, एक और आपको बता देते हैं, फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। किसकी? मद्रास की। तो इस सवाल से हमने यह सीखा कि गैरोड अंगियार ने बंबई की और सिराजुद्दौला ने अलीनगर की, जाप चरनाक ने कलकत्ता की जो कि सवाल ही था, मार्टिन ने पौंडिचेरी और फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर की स्थापना की। आज की क्लास में इस 10 सवाल में आपने 10 सवाल को 6-7 तरीकों से पाया, जैसा कि सवाल पूछा जाता है, हम वैसी मेहनत कर रहे हैं। और यही नहीं, इस 10 सवाल से आपने आधुनिक में काफी चीजें कंप्लीट कर ली होंगी, ठीक। फोटो लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहे आप ले लीजिए, और इन्हीं चीजों को जब आप जाकर अभी अपने घटनाचक्र और जो भी आप अपना अनसॉल्व अनसॉल्व खोलेंगे तो आप मिलाइएगा, हम जो सवाल बनाए उसके पॉइंट से सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए फिर हम किसी दिन आपको इसी प्रकार के जैकपॉट सवाल के साथ मिलेंगे। ये सब हमारे लिए टॉपिक वाइज हम कराते हैं क्लास में, उसके लिए कोई इशू नहीं, पर ये जैकपॉट क्लास है उनके लिए जो पब्लिकली हमको मेरे साथ जुड़े हैं, जो पब्लिकली हमको देख रहे हैं, ठीक है। और ये जैकपॉट सवाल उन सभी के लिए रहेगा। तो हम अपनी अगली क्लास में फिर कभी भी मिल सकते हैं जैकपॉट सवाल के साथ। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, हमको देखकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी मुस्कुराते रहिए, अपने देश से प्रेम करिए। जय हिंद, जय भारत, और फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। और जरूर अपने कमेंट्स व लाइक में बताइएगा कि आज के ये जो 10 क्वेश्चन थे कैसे थे और आपको कितना ज्ञान दे गए। धन्यवाद।